नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिन शुक्रवार, तारीख 29 जुलाई 2019, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे अमन रावत। स्वागत करता हूं आपके हमारे इस खास प्रोग्राम अमन टॉक्स में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बात करेंगी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तेज तरार छात्र नेत्री शिवानी पांडे। शिवानी पांडे की अगर हम बात करें तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जीआर गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं, आईसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से वे कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं और अभी पीएचडी कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमन। शिवानी, सबसे पहले आपको दिल से सल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि उत्तराखंड के एक सीमांत क्षेत्र से आप आती हैं, थराली से आप आती जी। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आप आई हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप छात्रों की हक की लड़ाई भी आप लड़ रही हैं, राजनीति में आप कई वर्षों से सक्रिय हैं, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं शिवानी आप ये सब? एक्चुअली जहाँ आपका इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन। जहाँ तक राजनीति में सक्रियता की बात है तो अगर हम सक्रिय नहीं भी हैं तो आज के दिन की परिस्थितियाँ ये हो गई हैं कि राजनीति आपको अपने अंदर समेट लेती है। आप चाहे कुछ भी करें, आप कुछ सामान ले रहे हैं तो वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पेन ले रहे, कॉपी ले रहे, वो सारा पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो हम उसको अलग, सारे कामों से अलग हट करके नहीं देख सकते हैं, वो हमारी आम जीवन का ही हिस्सा है। राजनीति में आने का कैसा आपने सोचा शिवानी? क्या आप यूनिवर्सिटी में आने से पहले ही आपका ऐसा कोई मन था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे राजनीति में आना है, या फिर कॉलेज में आने के बाद आपका ऐसा कुछ मन बना? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि मैं कॉलेज आने से पहले ही यहाँ इलेक्शन के लिए मैंने एडमिशन नहीं लिया। मैं पढ़ने का मुझे शौक था और पढ़ने में पॉलिटिक्स का जो डिबेट है वो मैं पढ़ती थी उसे। तो उसके बाद मुझे लगा कि जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो आप क्यों ना उसको एक्टिवेटली उसमें पार्टिसिपेट करें और देखें कि आप पॉलिटिक्स को कितना हद तक सही कर सकते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस हद तक सही कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में आ करके एक आवाज़ बन करके सीधे डायरेक्ट उसमें भाग लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। बिल्कुल शिवानी, और आपका जो संगठन है लेफ्टिस्ट, तमाम जो लेफ्टिस्ट ग्रुप होते हैं उनको भी ये बोला जाता है कि वो पढ़ाई में उनका काफ़ी फोकस रहता है, तो ये काफ़ी शानदार बात है कि आप पढ़ाई भी साथ साथ करते हो, लड़ाई भी, छात्रों के हकों की लड़ाई और समाज में जितनी भी तमाम जो चीज़ें होती हैं उनके लिए आप लड़ते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा शिवानी, अगला क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो आपसे ये है कि भविष्य में क्या आपके प्लान्स हैं शिवानी? क्या राजनीति में आने का आपने सोचा है भविष्य में? देखिए, मैं अभी पीएचडी का काम कर रही हूँ और उसके साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हूँ। अभी फ़िलहाल जो मेरा करंट जो गोल है वो तो यही है कि पीएचडी का काम मैं अच्छे से कर पाऊँ। बाकी भविष्य में क्या होता है, अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना जितना अभी तक लगा, तो मैं आऊँगी। ऐसा नहीं है कि उससे बच करके कोई रह नहीं सकता, जो मैंने कहा, तो यही है फिलहाल गोल। अच्छा शिवानी, राजनीति क्या है आपके मायनों में? क्या राजनीति के मायने हैं? आज हम जब देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल्स के दाम बढ़ रहे हैं, किसान मर रहे हैं, भुखमरी अपने चरम पर है, भुखमरी के आंकड़े जो है वो चरम पर हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारी जो हैं बहुत ख़राब हैं, खस्ता हालत में हैं, तो इन सब पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब देश में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, तो राजनीति को हम इस पूरे इन मुद्दों में कैसे हम जोड़ सकते हैं? देखिए अमन, एक किसी थिंकर ने कहा है कि जब पॉलिटिक्स आपके भविष्य को तय कर रही है तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप पॉलिटिक्स के भविष्य को तय करिए। मतलब यह है कि जब पॉलिटिक्स ये तय कर रही है कि हम शाम को कौन सी सब्जी खाने वाले हैं, अगर टमाटर 20 रुपए का है तो हम तभी उसको ले पा रहे हैं, अगर वो 60 रुपए का हो रहा हम नहीं ले पा रहे हैं। दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स तय कर रही है कि आप शाम को क्या खाने वाले हैं, आप कौन सा कपड़ा पहनने वाले हैं, आप कौन सी पढ़ाई करने वाले हैं। मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकती, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फीस जब करोड़ों रुपये में पहुँच गई है मैं नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते, हम मिडिल क्लास फैमिली। तो जब पॉलिटिक्स ये सारी चीजें तय कर रही हैं कि कितनी महंगाई करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के दिन की जो पॉलिटिक्स है उसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन, सड़क पे उतरना चाहिए सारे लोगों को, बिना सड़क पे उतरे हुए केवल ये सोच लें कि हम जिन्हें हमें संसद में भेज दिया है अपराधियों को और सारा प्रचार के माध्यम से जो लोग पहुंचे हैं वो कुछ बेहतर करेंगे, तो ये उम्मीद मुझे लगता है कि खराब होगी। तो हमें पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, आवाज़ उठा करके, क्वेश्चन उठा करके उस पॉलिटिक्स को सही करना है, अपने पक्ष में करना है। बिल्कुल। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो धन्यवाद। थैंक यू।